अच्छा, दो ही चीजें मशहूर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक न्याजी 71 का और एक न्याजी 2023 का, ये दो ही मशहूर हुए हैं। 1971 का न्याजी की मशहूरी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशनली गलतियां हैं। फौज के पास अपना असला होता है, फौज किसी जब जंग लड़ने जाती है तो पीछे ये नहीं देखती कि मुझे किसी ने ऑर्डर देना है। फौजियों को भी ऑर्डर मिले गए थे कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, वरना हमारी फौज, अमेरिका मानता है फौज पाकिस्तानी हो, अच्छा असला मेरा हो, मैं पूरी दुनिया पता कर सकता हूँ। आपने बोला है कि पॉलिटिकल जोन सी लीडरशिप होती है वो आर्मी की, मिलिट्री लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर चलती है, पाकिस्तान में क्या वाकई ऐसा होता नहीं? है नहीं, पाकिस्तान में तो ये हर तो बंदा जानता है। तो फिर ये सवालिया निशान नहीं है? ये सवालिया निशान है, बिल्कुल सवालिया निशान है, तो हर बंदा जानता है कि हमारी मिलिट्री कैसे चल रही है और हमारा बाकी निजाम, हमारी सियासत कैसे चल रही है, तो सब बंदा जान। कौन कर रहा है? अगर इंडिया ही कर रहा है तो हमें भी इंडिया के वहां तक हो जाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक वो अगर वो प्लानिंग कर रहा है हम भी कर लें। एक तरफ हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर, हाँ बेस्ट आप कहते हैं आपके पास है दिल्ली जैसे, तो फिर वो कहाँ है? क्या वो मुझे पकड़ने के लिए सिर्फ बेस्ट है या आवाम के ऊपर दबाव डालने के लिए? इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करे। ठीक है, तो अगर हमारी फौज एक्शन ले, ये करे वो करे, ये बातें हैं कि इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, ये एक पूरी बैन अल-अक़वामी साजिश है। अच्छा, लेकिन फौज जो आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 93,000 फौजी भी हमारे पकड़ लिए थे इंडिया वालों ने, बस वो उधर काबू में आ गए जो भी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। वजह यह है कि 1971 की वार का अगर जिक्र किया जाए तो 93,000 फौजी जवान पाकिस्तान के सरेंडर करने पर मजबूर हुए थे। पाकिस्तान की पब्लिक से इसी वाले से आज बात करूंगा कि क्या वजह थी, क्या पाकिस्तान के फौजी जवानों को सरेंडर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, उन्होंने ये बोला कि वो एक पॉलिटिकल फेलियर था। पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसे पॉलिटिकल फेलियर मानती है या पॉलिटिकल फेलियर प्लस आर्मी फेलियर मानती है? और इसके अलावा क्या बांग्लादेश को वाकई ही में इंडिया की साजिश की वजह से अलहदा किया गया हमारे से? ये सब बातें पाकिस्तान की पब्लिक से, न्यू जनरेशन से पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखती है। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीम शाह। मेरा अलीम शाह। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में हूँ। बैंक में होते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर 1971 की बात की जाए, 16 दिसंबर की बात की जाए, तो तकरीबन 93,000 फौजी हमारे सरेंडर हुए, इसके अलावा बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ। हमें मैट्रिक में, आपने भी डेफिनेटली मैट्रिक किया होगा, मैंने भी मैट्रिक किया है, मैट्रिक में ये बताया जाता है, बुक्स में ये बताया जाता है जी इंडिया की साजिश की वजह से बांग्लादेश अलहदा हो गया, इंडिया ने साजिश कर दी तो वो हम जो 1971 में हार गए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें ना एक तो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ों की गलतियां हैं, वो किसी भी एंगल से हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशनली ये है कि एक तो फौज को सामान ना मिलना, दूसरा एक आज ज़िंदगी में याद रख ले, जब भी कहीं हक सलब होगा इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी का भी हक होगा, मेरा हक होगा तो मैं भी एजिटेशन करूँ, क्रिएट करूँगा और मामला डिफरेंट होंगे। भाई भाई से ज़मीन के पीछे अलहदा हो सकता है, कब्रें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये मामला सिर्फ 1971 में किसका हक सलब हुआ, किसको हक नहीं मिला? देखिए, जो वोटिंग थी, जो राय शुमारी थी या जो लोगों ने राय दिया था उसका एहतराम कर लेना चाहिए। यानी शेख मुजीबुर रहमान को अगर उनको ज्यादा वोट मिले थे उनकी इकतदार में आने की राइट था उनका, राइट था, ठीक है। दूसरा, दो चीजें वहां पर भी थी। देखिए, ये एक तो एक साइड का पहलू हमारी साइड का, ठीक है। दूसरा उस साइड का बात था कि सुपेरियरिटी जहाँ पर समझा जाए ना कि हम कौमियत के एतबार से सुपर है, हम जुबान भी अपनी देंगे, हम करेंसी भी अपनी देंगे, हम माल मता भी अपना देंगे, तो ये चीजें भी उर्दू को हम खत्म कर देंगे, व्हाट्सएप जो भी उस वक्त की, जो आप समझते हैं कि उस वक्त जो एडिटेशन की जमात थी, जो उनकी जिसके नाम से उन्हें वो भुक्ति का क्या नाम था उसका, जिन से निकला उसको अवामी लीग को, उसके जो जो उन लोगों के लिए जो गोल्डन कॉइन कह लें, जो उसको चला रहे थे उस वक्त, उनके लिए यही था कि जी हम अपने मुल्क के लिए ऐसे कुछ कर देंगे, तो वो भी इस साइड का नहीं सोच रहे थे। तो वो दोनों चीजें इसी तरह मिलकर, फिर दूसरा कुछ चीजें ऐसी थी कि पार हम उनकी पटसन थोड़ी पहले आ जाती थी, उसके भी इश्यूज थे उनके पास, ठीक है। जी हमारे भी इश्यूज आए थे यहाँ पे, इंडिया का तो कहीं पे भी नहीं इशू आता। साजिश
किसी की भी, देखें आप मोहल्ले में भी रहे तो आपके नेबरहुड की भी कोई साजिश हो सकती है आपके घर में लड़ाई कराने की, सोचना तो आपको है, कामयाब तो आपने करानी है। उसकी साजिश को हम प्लानिंग कह सकते हैं, उसकी प्लानिंग भी नहीं थी, साजिश को कामयाब आपने कराना, उसकी प्लानिंग है या साजिश है। अगर उसने देखें आज तक दो कह रहे हैं कि यहूदियों ने इस तरह कर दिया मुसलमानों के साथ, ऐसे हो गया, अगर उन्होंने आज से 20 साल पहले प्लान किया तो आपने 20 साल पहले क्या किया? हाँ बिल्कुल ठीक है, हम जो ये कह देते हैं जी इंडिया ने साजिश कर दी, पूरी दुनिया के जो यहूदी हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। नॉट एट ऑल, आप किसी को सिगरेट पे नहीं लगा सकते कि वो सिगरेट पी ले आपकी ख्वाहिश पर, वो अपने मुल्क की तबाही कैसे सोच सकता कोई भी। ये तो एक फिनोमिना हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमसे जब कुछ नहीं बन पाएगा तो हम यही कहेंगे ये खुदा की मर्जी थी, ऐसा नहीं, खुदा की मर्जी थी या दूसरों पे इल्जाम लगा देंगे जी उसकी, तभी ऐसे ही था। ठीक है, अच्छा रिसेंटली जनरल बाजवा जो कि रिटायर हो चुके हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी कि 1971 की जो फेलियर था वो पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री फेलियर नहीं था। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि मैदान में फौजी थे और फिर पॉलिटिकल फेलियर कैसा हुआ, या आप इस चीज से एग्री करते हैं? अच्छा दो ही चीजें मशहूर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, एक नियाजी 71 का और एक नियाजी 2023 का, ये दो ही मशहूर हुए हैं। 1971 का नियाजी की मशहूरी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशनली गलतियां हैं, फौज के पास अपना असल होता है, फौज किसी जब जंग लड़ने जाती है तो पीछे ये नहीं देखती कि मुझे किसी ने ऑर्डर देना है। हाँ, जब आप आगे चले गए तो फिर आपने डू और डाई पे जाना है, फिर ये नहीं होता कि मुझे आपने पैसा भेजना है तो मैंने लड़ना है, फिर मैं 90,000-95,000 सिपाही भी अपने सरेंडर करा दूं, फौज अपने आप को उस पोजीशन पे ले आऊं कि जहां आपको सुलह करनी ही पड़े, आप ये समझे कि ये मेरी जीत है मैं सुलह कर लूं, तो ये जीत नहीं होती। जब आप सर कटने के लिए हो तो फिर झुकने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ बड़ी समझदारों समझने वालों के लिए बात है कि भाई जब आप मैदान में उतर चुके हो फिर आपने फैसला लेना है कि आपने मैदान को किस तरीके से फतह करना है या मैदान में किस तरीके से आपने काम करना है। चीजें हमारे यहाँ अभी क्रिकेट में मैच हार जाए तो कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी कराई, वो ये कहते हैं कि हमारा बैट्समैन गलत खेला, नहीं आप ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। ठीक है चले, ये तो होगी हमने पास की माजी की बातें की 1971, क्योंकि आज का दिन भी उसी से मुंसलिक है इसलिए उस हवाले से बात की। आगे अब हम पाकिस्तान को कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी गलतियों से, पॉलिटिकल जो सी है मिस्टेक्स हों या मिलिट्री मिस्टेक्स हों, कैसे सीख सकते हैं और आगे बेहतरी रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे अफगानिस्तान हो। अच्छा किसी जगह पर हमारी अपनी अना है, मुल्की तौर पे हम एक अना रख के बैठे हैं कि हमने इंडिया के साथ बात करनी ही नहीं, वेल एंड गुड, हमने दीन पर चलना है, वो दीन और हम पर चल रहे हैं, चल रहे हैं, वही सवाल है ना, ये अना है हमारी कि हम दीन पे चलेंगे, वो गैर मुस्लिम है, वो खुदा को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते इसलिए नहीं मानते, हम यहूद नसारा की आयतें ले आएंगे उनको। ऑब्वियसली ये जब आप अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेंगे लोग आपके पास खींचे आएंगे, यही सऊदीया है और इस्लामी मुल्क हैं जो उन्हीं मुल्कों से तजारत कर रहे हैं और आपसे ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं आप है। इतने के नीचे आपका डिग्री मतलब आप क्या करें आपका 97% जो है हम डिफॉल्ट हो चुके हैं और हम आज भी अना पे हैं। अना इसलिए सिर्फ इसलिए अना है कि हम खुद को गलत नहीं कर रहे, हम अपनी इसलाह खुद नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि दूसरे ठीक हो के हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा, हमें ठीक होना पड़ेगा, मुझे आपका हक देना पड़ेगा, मुझे आपकी राय का एहतराम करना पड़ेगा, मुझे इस्लाम के मुताबिक पहले चलना पड़ेगा फिर आपको कहना पड़ेगा। मैं खुद नहीं हूँ, यहाँ कई ऐसे अलामा है जो बहुत सारी जगहों पे ऐसी हालत में पकड़े गए हैं कि जिनको हम कहने के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकते और हम उन्हीं के पैरोकार हैं, तो ये अफसोस की बात है हमारे लिए, हमें सोचना चाहिए कि ये पीर है या फिर पीर संडे मंडे ट्यूसडे वाला पीर है, इसको इस तरह सोचे हम। हमारे यहाँ सिर्फ त्यौहार है, माजरत के साथ त्यौहारों के पीछे हकीकत कोई नहीं है, ना कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जी रहा है ना मर रहा है, मसादा सी बस ना, इस्लाम के नाम को हम इन शॉर्ट अगर कहा जाए यूज कर रहे हैं। देखिए मैं अभी यहाँ खड़े होकर कह दूं कि किसी ने ये यार इस्लाम के खिलाफ बात करी लोग मेरे साथ हो जाएं, किसी ने ये नहीं पूछना कि भाई उसने कहा क्या है, ऐसे ही है। यहाँ जोसेफ कलोनी का केस आपके सामने और बहुत सारे केस, सियालकोट का वाकया हमारे आपके सामने, जवान माँ के बच्चे मार दिए, क्या क्या है। आज 16 दिसंबर है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ब्लैक डे ये है 71 के बाद के हमारे मासूम बच्चे इस दुनिया से ही चलेंगे, ऐसे ही है आज पब्लिक स्कूल के आप ये सोचें। और वो भी एक माजरत की बात है, आप अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस है उनसे ये सवाल रख लें कि ये हुआ क्यों, तो वो यही कहते हैं ना उसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है, हम हर चीज में तो इंडिया को ले आते हैं, इंडिया ने अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्हें भेजा और ये किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, जहां प्रोटोकॉल चाहिए वहां इंडिया नहीं होता क्या? जबरदस्त।
जहाँ प्रोटोकॉल के किसी बड़े की गाड़ी गुजरेगी वहाँ कुछ साजिश नहीं होती, वहाँ होती है, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं होती, इसलिए कि वहाँ आप मुखलिसन खड़े होते हैं, आप लोगों को ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जैम मर्ज लगा देते हैं, चीज़ें कर देते हैं एक शख्सियत को बचाने के लिए। वो एक बच्चे थे, हमारा मुल्क का सासा थे, वो इस दारे फानी से कूच कर गए। उनका सवाल का जवाब मां सिवाय कैंडल जला के फातिहा करके इस तरह की बातों से हो रहा है। अफसोस 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 कि हम अपनी गलतियों को बेहतर नहीं कर। यही एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जब वो GHQ तक भी लोग पहुंचे, करीब तरीन हो गए, कुछ लोग ऊपर चले गए, अंदर चले गए, कुछ हो गया। अभी रिसेंट कहां से हुआ ये सारे वाक्या कड़ियों को रिलाएंगे, कौन कर रहा है? अगर इंडिया ही कर रहा है तो हमें भी इंडिया के वहां तक हो जाना चाहिए। हाँ, जहां तक वो अगर वो प्लानिंग कर रहा है हम भी कर लें। एक तरफ हम कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर, हाँ बेस्ट आप कहते हैं आपके पास है दिल्ली जैसे, तो फिर वो कहां है? क्या वो मुझे पकड़ने के लिए सिर्फ बेस्ट है या आवाम के ऊपर दबाव डालने के लिए? सिंपल, हमें बींग अ पाकिस्तानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी सहूलियात से आरास्ता करें अपने मुस्तकबिल को, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो। हमने अपने आप को बेहतर करना है, अपनी गलतियों को। वो एक मैं आपको इसी तरह एक बात बता देता हूँ कि ये 14 अगस्त पे बड़े बाजे बजते हैं, वो बड़े बड़े बिगल से लेकर लोग सड़कों पे तूफान बदतमीजी होता है। तो मैंने किसी को एक लफ्ज कहा था, मैंने कहा जो चीज आपने दुकानों पे रखी है वो मेरा बच्चा खरीद रहा है, तो हमने बाजे रखे हैं, लोग बाजे खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल जी। अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने बातों को गोल करते हुए बड़ी ऐसी बातें कर दी हैं जो समझदारों के लिए सिर्फ इशारा है और उसके अंदर एक गहराई छुपी हुई है। शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद कासिम रजा। सैयद कासिम रजा, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि 16 दिसंबर की अगर बात की जाए, ब्लैक डे के तौर पर पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया जाता है। 1971 में 93,000 फौजी जो हमारे सरेंडर करने पर मजबूर हुए, इसके अलावा बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ। क्वेश्चन ये है कि हमें बुक्स में मैट्रिक में खासतौर पर यह बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है कि जी इंडिया की साजिश थी, इंडिया ने बंगालियों को वर्गलाया जिसकी वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए। क्या इंडिया की साजिश की वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए? देखिए, जो बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, सब ठीक हैं किसी लिहाज से, लेकिन अगर आप देखें तो पॉलिटिकल जो निज़ाम था हमारा उस टाइम, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसकी उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो बांग्लादेश की हमसे अलहदा होने की थी, वो थी हमारा अपना कसूर था। आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हम जो हमारा इस टाइम मुल्क वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा मुल्क बर्दाश्त 95-97% ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब है, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब है, मतलब समझें कि सिर्फ न्यूज़ में नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट होने वाला, डिफॉल्ट होने वाला है। तो आज मुझे लगता है, जो मेरी हद तक, कि आज ये मामला ना होते, आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारी उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन जो आजकल बनी हुई है, PDM बन गई, इमरान खान के खिलाफ सारे मामले, यार किसी को 5 साल आप हुकूमत तो करने दो, फिर उसको देखो कि क्या होता है। ठीक है, अब बात यह है कि उस टाइम की सिर्फ सियासत का जो हाल था उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, इसमें इंडिया की भी बिल्कुल होगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा हमें लेट डाउन करने की कोशिश की है हर जगह पे, हर पॉइंट। इंडिया की कैसे हुई, थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक तरफ हम खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि हम उन्हें राइट्स नहीं दे रहे थे, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये बोल चुके हैं, दूसरी तरफ फिर हम एंड पे ये कह देते हैं जी वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। देखें जब सियासत होती है ना, सियासत में मामला जो हमारे सियासी लीडर्स हैं वो शुरू से ही अटैचमेंट उनकी जो है वो रही है अपना इंडिया के साथ। कोई ना कोई ऐसा लीडर हमेशा होता था जिसकी कहीं ना कहीं अफिलिएशन होती थी इंडिया के साथ। इन्हीं चीज़ों की वजह से ना आज हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं और बांग्लादेश हमसे अलग है। ठीक है, बांग्लादेश हमारे से अलग है। जो 93,000 फौजी सरेंडर हुए उस टाइम पे, उन्हें सरेंडर करना चाहिए था या लड़ना चाहिए था? एक रिकॉर्ड बना गए हैं जी पाकिस्तान की, दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में किसी फौज के सरेंडर नहीं किया शायद। ये हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात है कि फौज, हमारी फौज, पाकिस्तानी फौज जो दुनिया की एक अच्छी फौजों में से आती है, अभी आपको पता होगा कि कतर में जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सिक्योरिटी हमारी फौज दे रही है। तो एक हमारी फौज का एक नाम है, हमारी फौज का एक बड़ा एक वो हमारा, वो आपको देखा होगा जो हमारे पिछले जनरल राहिल शरीफ थे, उन्होंने जो मुस्लिम ममालिक की जितनी फौजें थी उनको वो उन्होंने लीड कर रहे थे। तो हमारी फौज की मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम 93,000 सरेंडर हो गया, लड़ना चाहिए था उस टाइम, हमारी फौज को लड़ना चाहिए था, अगर पता चलता जो भी होता वो रिजल्ट बाद की बात थी, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मेरी भी जो नाकिस ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मेरे ख्याल में
फौज को अगर मैदान में उतरे तो फिर सरेंडर करना नहीं चाहिए था, बाकी जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया। मुझे आगे ये बताएं कि आपने भी ये बोला कि इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, इंडिया की साजिश थी। दुश्मन अगर कोई अपनी पॉलिसीज बनाता है, जब हम प्लानिंग करता है, जब हम कंडीशन वार की कंडीशन में होते हैं, तो उसकी प्लानिंग को हम साजिश कह दें, ये कुछ बेहतर है? मतलब हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, एक लेट्स सपोज, ठीक है, और फिर वो अगर कोई प्लानिंग करता है तो हम कहें जी उसने साजिश की है। नहीं देखिए, अब अगर आप एक जंग में हैं, एक अगर आप लड़ाई के मौके पे हैं, उसने अपनी प्लानिंग करनी है, हमने अपनी प्लानिंग करनी है, यही बात है ना? दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बात ये कि हम शुरू से ही 1947 से जब से हम पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए हैं, तो वो हमारे साथ और उनके कभी मामला इंडिया के साथ बेहतर नहीं हुए, ठीक है। इसी वजह से वो उसने हमारे खिलाफ हर जगह पे हर इंडिया के साथ मामला बेहतर नहीं हुए, उसके अंदर इंडिया का ज्यादा कसूर है या हमारा ज्यादा कसूर? दोनों ममालिक का। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया का ज्यादा कसूर है या सिर्फ पाकिस्तान का कसूर है, दोनों ममालिक के सियासतदानों का कसूर है जिसकी वजह से आज हम ये सब फेस कर रहे हैं। चले, इंडिया के साथ तो हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं होते, उसकी वजह हमें समझ नहीं आती। बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ तल्लुकात नहीं हमारे बेहतर हो रहे। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। ईरान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। इवन चाइना के साथ भी अब कभी खबर कुछ आती है, कभी कुछ आती है, आपको इस चीज का आइडिया होगा, कभी वो पैसे रोक देते हैं, कभी वो अपना जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो रोक देते हैं। क्या वजह है कि कोई भी एक नेबर ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो? इंडिया के तो कई के साथ बेहतर है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये जो ये सारे मामलत होते हैं ना, ये जो आपके फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो आपकी ये उनके काम होता है कि फॉरेन पॉलिसीज पे, फॉरेन पॉलिसी ये कैसा काम कर रही है वहाँ पे, ठीक है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज हमारे मिनिस्टर जो उनको पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होती क्या काम कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, तो ये पूरी भाई प्लानिंग होती है। ये ऐसे नहीं होता कि एक हुकूमत आ गई, आप किसी भी मिनिस्टर को जो उसको बीए उसने पास नहीं किया हुआ और उसको आप मिनिस्टर लगा दो, ठीक है, उसको आप जाके उसको भेजो, उसको ईरान उसको भेजो जाके, आप इंग्लैंड जाके उसको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती किसी के साथ। बात क्या, इवन अब अफगानिस्तान अगर जाते हैं तो अफगानिस्तान के वहाँ के लोग जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो हमारे मिनिस्टर से मिलते नहीं है, आपको पता होगा। ये सिर्फ ये हमारी हम लोगों की है ना कि हम अच्छे लोगों को आगे नहीं लेके आते, पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं लेके आते, फिर एंड पे ये कह देते हैं जी इंडिया का कसूर है, वो अफगानिस्तान का कसूर है, वो अमेरिका साजिश का, हमारा अपना कसूर है, हमारा अपनी जो हमारी आवाम है ना, हमारी अपनी आवाम का कसूर है कि हम बार बार उन लोगों को मुंतखिब कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जिन लोगों को हमें पता है कि यार ये लूट मार से बाज नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें हमारा किसी की कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर है कि हम उन लोगों को आगे लेके आए कि जिनका पता हो कि यार ये कल को हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी यूथ के लिए कुछ ना कुछ कर सके। मुझे लास्ट में ये बता दें कि जनरल बाजवा जो रिसेंटली अभी उनकी रिटायरमेंट हुई है, उन्होंने जाते जाते ये स्टेटमेंट दी थी कि 1971 की जो हमारी हार थी उसकी जिम्मेदार पोलिटिकल जो उस टाइम की लीडरशिप थी वो थे, यानी कि वो पोलिटिकल फेलियर था। आपको क्या लगता है, वो पोलिटिकल फेलियर था या आर्मी फेलियर था या मिलिट्री फेलियर, मतलब मिलिट्री फेलियर पॉलिटिकल फेलियर दोनों था क्या? दोनों मिलिट्री फेलियर और पॉलिटिकल फेलियर, इसलिए ऐसे मैं दोनों कहूंगा क्योंकि जो मिलिट्री होती है वो चलती है अंडर इसके पॉलिटिकल के। अगर हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया जी जंग रोक दी जाए तो ये आगे नहीं कर सकते, ठीक है, इनको रोकनी पड़नी थी। लेकिन ये होता है दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मिलिट्री हमारी जो जनरल होते हैं वो प्रेसिडेंट के साथ या पीएम के साथ बैठ के उन्होंने सारा एक प्लान तैयार किया होता है। ये ऐसे नहीं होता जंग में चले गए वहाँ लड़के आ गए, नहीं। आपने बोला कि पॉलिटिकल जो सी लीडरशिप होती है वो आर्मी की मिलिट्री लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर चलती है, पाकिस्तान में क्या वाकई ऐसा होता नहीं? पाकिस्तान में तो ये हर बंदा जानता है, तो फिर ये सवालिया निशान नहीं है? सवालिया निशान है, बिल्कुल सवालिया निशान है, तो हर बंदा जानता है कि हमारी मिलिट्री कैसे चल रही है और हमारा बाकी निजाम हमारी सियासत कैसे चल रही है, तो सब बंदा जानता है। चले, अच्छा लगा बात करके, इनकी जो राय थी वो मैंने आप तक पहुंचाई और काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं। और जो नई जनरेशन है, अगर यूथ की बात करें, अगर नौजवान नस्ल की बात करें, तो शायद वो चीजों को समझ रहे हैं कि गलतियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी थी। अब बेहतरी कैसे करें? देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं, अब हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। बेहतरी का सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि आप उन लोगों को चूज करें जो कल को आपको यकीन हो कि कल को आने वाले कल में आपके लिए अच्छे फैसले कर सके। और हमें ये ना बोले कि जी इंडिया हमारा दुश्मन, ये ना बोले अमेरिका हमारा दुश्मन, ये बोले कि हमारा दुश्मन अगर कोई है वो अवेयरनेस की कमी हमारे। असेंबली में उन लोगों को लेके आए जो आपको लगे कि पढ़े लिखे, आप उन लोगों को वोट करें। सबसे बड़ा आपके पास बुनियादी हक जो है आपके पास वोट का है, उससे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में किसी या कहीं भी किसी मुल्क में ना आपके पास और कोई नहीं है। वोट अच्छी जगह करें, अच्छे लोगों को करें, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैब हसन। क्या करते हैं?
मैं हुदरी का काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, काम करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ तारीख के हवाले से कुछ अच्छी यादें नहीं 16 दिसंबर को अगर लेकर देखा जाए। 1971 में 93,000 के करीब फौजी जवान सरेंडर हुए और एक तारीख बनी, मतलब एक रिकॉर्ड बना। तो क्या वजह, क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं भाई, ये जो भी काम होता है ना, ये हमारी हुकूमतें रिजर्व करती हैं इस चीज़ को, ये सारे कारनामे होते हैं उनके। ये आप भुगता सिर्फ गरीब इंसान है, ठीक है। तब भी भट्टो के दौर में भी यही हुआ था, जीता मुजीबुर रहमान था, भट्टो ने वो अपना मुल्क अलग करवा दिया उनको, ठीक है। उन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर हम बन जाते हैं, उनको अलग करवा दिया। क्या था, सिर्फ सियासत थी, ठीक है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल भी है, ये भी देखे सियासत ही हो रही है, ठीक है। कहा ये जाता है ना लेकिन के जी वो तो इंडिया की साजिश थी, इंडिया ने वर्गलाया, इंडिया ने वो बांग्लादेशियों को बंगालियों को बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत है, सिर्फ ये हमारी हुकूमतें करवाती हैं। इंडिया का कोई कसूर नहीं, कसूर नहीं है इंडिया का, कोई कसूर नहीं है, हमारी हुकूमतों का कसूर है, ठीक है। ये सीट हमारी किताबों में मैटर, आपने मैटर किया तो मैंने भी किया, मैट्रिक की बुक्स में लिखा है कि जी इंडिया ने वो बंगालियों को बोला के और इस तरीके से वर्गलाया जिसकी बात यही है कि अगर आप जीत जाएं, मैं हार जाऊं तो मैं आपको बोलूंगा आप अपनी जगह अपने मुल्क में बैठ जाओ, अपनी जगह बैठ जाओ, तो ये क्या किसी साजिश होगी? नहीं नहीं, ये तो हमारा अपने आपस का मामला होगा। हम किसी को बता ध्यान चेंज करने वाली बात, हम किसी के ऊपर डाल देते हैं, मतलब अपनी हार को किसी के ऊपर डाल देंगे तो हम आगे निकल जाते हैं, ठीक है। फिर अगर ये अगर वो जीत गया था तो बंगाली हमसे लादा क्यों हुए? अब वो बंगाली हमसे आगे भी निकल गए हैं, आगे भी निकल गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि वो एक तो हमारा मुल्क देखें ना, 97% डिफॉल्ट में आ गया हुआ है, 3% रह गए हैं। श्रीलंका का हाल देखा आपने, ऐसे ही है। अगर वही 3% में हमारा ऊपर चला गया, अगर वो आ गया, बैंकों में भी आना शुरू हो गया, लोग बैंकों से पैसे निकलवाना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल मैंने भी निकलवा ली है। अगर यही मसला आ गया तो देखें ना, पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट होता है तो हमारा क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल होगा। ये सियासत अपनी चमकाने के लिए कुर्सी कुर्सी का फायदा है सिर्फ। अब देखें, मैं कहीं बात करूंगा ना इमरान खान की, तो बात यही आएगी कि वो सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो हुकूमत से चल रही थी लेकिन अब इसको बारी नहीं आई, अब इसको बेचैनी हो रही है, तब कह रहा है मैं कुर्सी की जंग नहीं लड़ता, ठीक है। जंग सारी कुर्सी की है। अच्छा, बिल्कुल जंग कुर्सी की है। पाकिस्तान में खासतौर पर देखा जाए तो पार्टी जो भी हो उसे ये होता है कि हम इक्तदार में रहे। अगर ये देखा जाए, अभी रिसेंटली जो जनरल बाजवा साहब थे, अभी रिटायर हो गए, उन्होंने बोला जाते जाते ये बोला कि 1971 में पोलिटिकल फेलियर था, आर्मी का कोई उसमें फेलियर नहीं था। तो फिर पॉलिटिकल फेलियर था तो आर्मी वाले 93,000 फौजी कैसे उन्होंने 93,000 फौजी कैसे उन्होंने पकड़ लिए? ये सारी सियासत हुई थी उस दौर में भी। पॉलिटिकल फेलियर था या आर्मी का फेलियर था या दोनों का फेलियर था? ये कह लें कि तभी हमारे, अब देखना, हम कह लें कि अपनी फौज के बारे में बोलेंगे तो हम गद्दार कहलाएंगे, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के लिए अगर बोलेंगे तो शायद हम हमारी फौज की भी बेहतरी होगी, पाकिस्तान की भी बेहतरी होगी। तभी सियासत हुई थी, फौजियों को भी ऑर्डर मिले गए थे कि आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें, वरना हमारी फौज, अमेरिका मानता है फौज पाकिस्तानी हो, अच्छा असला मेरा हो, मैं पूरी दुनिया पता कर सकता हूँ, ठीक है। ये अमेरिका वाले कहते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं, किसने बोला ये? ये अमेरिका का एक बयान था, इंटरव्यू मैंने सुना था, ये नेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद लियास। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं या काम करते हैं? मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि 16 दिसंबर की बात करें, पाकिस्तान में ब्लैक डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। 1971 में हमारे तकरीबन 93,000 फौजी सरेंडर करने पर मजबूर हुए, बांग्लादेश हमारे से अलहदा हो गया। मुझे ये बताएं कि क्या वजह थी बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदा होने की? इंडिया की साजिश थी या कोई और वजह थी? पाकिस्तान जब से बना है इसके खिलाफ साजिशें होती रही हैं। अच्छा, ठीक है। बांग्लादेश भी एक साजिश थी, ये जो ब्लैक डे स्कूल पे हमला हुआ, ये भी पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल पे, ये भी एक साजिश थी, ठीक है। पाकिस्तान बन तो गया है मगर आज तक इसकी साजिशों से जान नहीं छूटी है। क्या वजह है पाकिस्तान में ऐसा, क्या है मतलब, और साजिशें पहले नंबर पे करता कौन है और दूसरे नंबर पे ऐसी वजह क्या है कि पाकिस्तान की नहीं जान छूट रही, दुनिया के बाकी तमाम ममालिक अपनी अपनी मतलब डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं और पाकिस्तान की साजिशों से जान नहीं छूट रही? ये बात आपकी बात का ही जवाब है कि बांग्लादेश देखो हमारे बाद आजाद हुआ वो कहाँ चला गया, वही कह रहा हूँ ना, ठीक है। और हम आज भी ये कह देते हैं कि जी वो साजिश है, साजिशों से नहीं जान छूट रही, क्या वजह? हम अपने आप कुछ नहीं करते, बाहर के मुल्कों से कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। जब तक हम अपने आप को आजाद ना समझेंगे, अपने पाँव पे खुद खड़े होने की कोशिश ना करेंगे, हमें अमेरिका वगैरह खड़ा नहीं करेंगे आगे। बिल्कुल, अमेरिका तो बिल्कुल नहीं खड़ा करेगा, वो तो बिल्कुल चाहेगा नहीं कि हम अपने पांवों पर खड़े हों। लेकिन इंडिया का कहा जाता है, जब 1971 की
बात आती है तो कहा यह जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया ने बंगालियों को वर्गलाया कि आप पाकिस्तान से अलहदा हो जो हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्या आपको लगता है कि इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ? मेरा जरा अपना जाती व्यू है, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करे। ठीक है, तो अगर हमारी फौज एक्शन ले, ये करे वो करे, ये बातें हैं कि इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, ये एक पूरी बैन अल-अक़वामी साजिश है। अच्छा, लेकिन फौज जो आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 93,000 फौजी भी हमारे पकड़ लिए थे इंडिया वालों ने, बस वो उधर काबू में आ गए, जो भी है हो गया वो। अब इन्हें इंडिया फौज के मामले में हमसे बढ़कर नहीं है, हमारी फौज दलेर है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। दुआ करें कोई अच्छा लीडर मिल जाए। दुआ और हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान आगे से आगे बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन हमें साथ ये भी सोच बदलनी पड़ेगी कि जी साजिशें होती रहती हैं, साजिशें कोई नहीं करता, हम अपने अपनी गलतियों को दूसरों की साजिशों पर कन्वर्ट कर देते हैं। आपको और मुझे ये भी सोच बदलनी पड़ेगी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ 1971 की हो या कोई भी वार हो, हमेशा नुकसान दोनों साइडों पे हुआ है। अगर हम 1971 की वार की बात करें, हम हारे इंडिया जीता, लेकिन फायदा ना तो इंडिया का हुआ ना ही हमारा हुआ, नफरतें बढ़ी और इख्तलाफात बढ़े। इसलिए हमें यह चाहिए, आज भी अगर हम ये सोच रखते हैं कि जी हम हमारी आर्मी नंबर वन और हम अपनी आर्मी पे फख्र करते हैं, नो डाउट फख्र करना चाहिए, लेकिन आज हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें यह कहने की जरूरत है कि हमारी इकॉनमी नंबर वन, हम अपनी इकॉनमी पे फख्र करते हैं, और वो तभी होगा जब हम अपने गलतियों को सुधारेंगे, इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर करेंगे, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।